गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकेश कुमार यादव। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के पार्ट फोर पर। इस सीरीज के 3 वीडियोस पहले हो चुके हैं, ये पार्ट फोर है जिसमें हम मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस पर बात करेंगे। इसमें हम फोकस करेंगे जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी बेसिक प्रिंसिपल्स पर भी बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर में जैसे होता है वैसे ही सेम टू सेम ह्यूमन बीइंग्स में मेमोरी होती है, जो ह्यूमन बीइंग्स रीड करते हैं, देखते हैं, तो कहाँ जाके स्टोर होती है, वो एक ब्रेन का एक पार्ट होता है मेमोरी, जो कि सारी चीज़ें स्टोर करता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है जो डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखती है। इवन जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें भी हम स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जो कि डेटा, प्रोग्राम्स और रिजल्ट्स को स्टोर करने के काम आती है। इसको स्टोर करने का ये फायदा है कि जब भी हमें बाद में इसकी ज़रूरत होगी तो हम उसे लेटर ऑन उसको रिट्राइव कर सकते हैं और अगेन प्रोसेस या यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मेमोरी की, कि कितने टाइप की मेमोरी होती है। तो अलग अलग क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग हम जो है मेमोरीज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्राइटेरिया है एक्सेस टू CPU, कि CPU में जो ALU है और कंट्रोल यूनिट है वो जिस मेमोरी डिवाइस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है अपनी एड्रेस बस से, उस मेमोरी को हम डायरेक्ट मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और जिसमें CPU की एड्रेस बस जिस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती है उसको हम इनडायरेक्ट या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्लासिफिकेशन का दूसरा क्राइटेरिया है वो स्टोरेज ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग है। स्टोरेज ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक टेम्पररी मेमोरी जिसको हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी में जैसे ही पावर ऑफ होता है या हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, वैसे ही जो भी कंटेंट्स उसमें स्टोर किए हुए होते हैं तो वो सारे के सारे इरेज हो जाते हैं और हम किसी भी तरीके से उनको वापस रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। तो ये मेमोरी तब तक ही होती है जब तक कि हम उसको कंप्यूटर का पावर ऑन होता है और जब तक हम उसको रीराइट नहीं करते तब तक ही वो उसमें स्टोर रहता है। तो ऐसी मेमोरी जो पावर फेलियर्स को सरवाइव नहीं कर सकती है उसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है रैम। दूसरे टाइप की और है मेमोरी जिसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसके अंदर हम जो कंटेंट्स स्टोर करते हैं वो सारे कंटेंट्स अगर पावर फेलियर होता है या हम पावर ऑफ कर भी देते हैं तो जब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो कंटेंट्स हम रिट्राइव कर पाते हैं, उन्हें दोबारा से पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये एक टाइप की परमानेंट मेमोरी है। थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन और किया जा सकता है मेमोरी का। थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन, कि मेमोरी को हम जिस टाइप की टेक्नोलॉजी से बनाते हैं हम उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर्स में हम जो सेमीकंडक्टर हैं जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इस टाइप के जो अर्धचालक हैं उनसे हम बनाते हैं। ऐसी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं रैम है, रोम है, फ्लैश मेमोरी है, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स से बनते हैं। दूसरे टाइप की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, इसमें हम मैग्नेट्स की सहायता से ही हम रीड करते हैं और राइट करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और जिप ड्राइव। थर्ड टाइप की जो मेमोरी है इस टेक्नोलॉजी बेस पर वो है ऑप्टिकल ड्राइव, जिनमें हम लेजर लाइट्स और लाइट बीम्स की सहायता से रीड और राइट कर पाते हैं। तो इस टाइप की जो मेमोरी होती है उसको हम CD DVD के रूप में हम देखते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग समझेंगे मैग्नेटिक मेमोरी की। मैग्नेटिक मेमोरी में जो सरफेस होती है उसको हम फेरस ऑक्साइड से नॉर्मली हम चार्ज करते हैं। फेरस ऑक्साइड का एक बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि हम उसको अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज करें तो हम उसके पोल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं उस लेयर को। तो यहाँ पर जो रीड और राइट होता है मैग्नेटिक मेमोरी में उसको हम रीड करने के लिए हेड यूज करते हैं, राइट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सहायता से हम डेटा को राइट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैग्नेटिक मेमोरी में 2 पोल्स होते हैं हर एक में, एक होता है साउथ पोल, दूसरा होता है नॉर्थ पोल। जो अपोजिट पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, पर जो सेम पोल्स होते हैं अगर नॉर्थ नॉर्थ को जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता है, वैसे ही साउथ साउथ को भी
अट्रैक्ट नहीं करता है, यानी उसको अपोज करता है उल्टा। तो इसी प्रॉपर्टी पे जो मैग्नेटिक मेमोरी है वो वर्क करती है। यहाँ पर एक हेड होता है, हेड में एक रीडर होता है, रीडर में एक पोल होता है जिसको साउथ पोल कहते हैं। ये हो सकता है नॉर्थ पोल हो, पर नॉर्मली साउथ पोल रखा जाता है, जिससे कि कंडक्टर होता है। कंडक्टर सर्किट कंप्लीट करते ही डेटा फ्लो करता है या लाइट फ्लो करती है। तो एक कंडक्टर और इसमें हल्का सा गैप होता है। जैसे ही सेल्स पर पहुंचता है, सेल्स की जो मेमोरी होती है उसकी अगर टॉप लेयर जो है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो साउथ पोल हेड में है और नॉर्थ पोल जो सरफेस है उसके टॉप पर है। तो जैसे ही जो मेमोरी सेल है उसमें अगर वो नॉर्थ पोल रीड करता है तो साउथ पोल अट्रैक्ट होगा और इसके नीचे की साइड में दूसरी प्लेट के ऊपर जाकर के टच हो जाता है अट्रैक्शन की वजह से, और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करने लगता है। इस तरीके से इसको वन रीड करता है। साउथ पोल में जैसे ही साउथ पोल आता है सरफेस पर, वैसे ही उस सेल में अगर साउथ पोल आया तो जो हेड है उसके अंदर भी साउथ पोल वाली प्लेट लगी हुई है, तो वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा दूर होंगे तो जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और वो जीरो रीड करेगा। ऐसे अगेन फिर से नॉर्थ आया तो हेड जैसे ही इस पे नॉर्थ पे पहुंचेगा साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और डेटा रीड कर लेगा, वैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। इस तरीके से ये बेसिकली जो है वो रीड करता है। राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की सहायता से डेटा को हम राइट करते हैं, यानी पोल्स को चेंज कर देते हैं, नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ कर देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स। मैग्नेटिक मेमोरी का बेस्ट एग्जांपल है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क में जो मटेरियल होता है वो एल्यूमिनियम के अलॉय से बनी हुई प्लेट होती है, एल्यूमिनियम का अलॉय से बनी हुई होती है ताकि वो लाइट वेट रहे। उसके जस्ट नीचे एक मोटर जुड़ी हुई होती है उस सर्कुलर प्लेट के नीचे। ये मोटर इसको रोटेट करवाती है हाई स्पीड पे। इसके जो आरपीएम्स होते हैं वो 5400 के नियर अबाउट होते हैं, मिनिमम से मिनिमम। एक हेड आर्म होती है, हेड आर्म के ऊपर टॉप पर एक हेड लगा हुआ होता है। यहाँ पर ये हेड रीड और राइट का काम करता है। रीड करने के लिए सेम टू सेम वैसा ही प्रिंसिपल जैसे मैंने पहले बताया। जो ये सर्कुलर प्लेट होती है वो हाई स्पीड पे रोटेट करती है, तो इसको रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रैक्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो सर्कुलर पाथ बना हुआ है कंप्लीट एक सर्कल को हम एक पाथ कहते हैं, ऐसे ही इनको ट्रैक कहते हैं, सॉरी इस सर्कुलर पाथ को ट्रैक कहते हैं। और इस ट्रैक को भी हम सब डिवाइड कर लेते हैं यूनिट्स में ताकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं, मेमोरी के लोकेशंस को एड्रेस कर पाएं। तो इन जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ट्रैक के, इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम सेक्टर कहते हैं। इस तरीके से काम करता है। ये मोटर होती है, ये एक्सेस होती है जो डायरेक्टली मोटर से कनेक्टेड होती है। ये जो सर्कुलर प्लेट होती है वो एल्यूमिनियम के अलॉय से बनी हुई होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है, नॉर्मली फेरस ऑक्साइड की कोटिंग होती है। मोटर जो होती है वो हाई स्पीड मोटर होती है, 5400 आरपीएम और हायर स्पीड पे ये जो है वो रोटेट करती है। जो सर्कुलर प्लेट होती है वो सर्कुलर पाथ्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिवाइडेड होती है, जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं। ट्रैक्स फिर से सब डिवाइड होते हैं जिनको हम सेक्टर्स कहते हैं। ये जो है वो सूडो रैंडम एक्सेस मेथड पे काम करती है। सूडो रैंडम मेथड मतलब कि किसी भी जगह अगर डेटा राइट हुआ तो लगभग सभी जगह का जो डेटा रीड करने का टाइम है वो लगभग सेम होता है। वेरिएशन होता है हेड के ऊपर, जो ये जो आर्म होती है हेड इसके ऊपर आगे पीछे मूव करता है ताकि वो रीड कर पाए। तो एज कंपेयर टू सिक्वेंशियल मेमोरी के जो सूडो रैंडम होती है वो फास्ट होती है, पर रैंडम से इसका टाइम ज़्यादा होता है। तो ये इन दोनों के बीच के एक्सेस मेथड होता है, रैंडम और सिक्वेंशियल एक्सेस के टाइप का बीच का मेथड होता है, जिसको हम सूडो रैंडम एक्सेस मेथड कहते हैं। जो हार्ड डिस्क है इसकी साइज नॉर्मली 200 GB से लेकर 2 टेराबाइट तक इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसी टाइप के ऊपर एक और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में भी सेम टू सेम वर्किंग होती है, हार्ड डिस्क की तरह ही प्लेट होती है। ये प्लेट जो होती है वो एल्यूमिनियम अलॉय की ना होकर के और प्लास्टिक की प्लेट होती है जिसपे फेरस ऑक्साइड की कोटिंग होती है, हेड होता है। इसकी साइज जो होती है वो 1.4 MB के आसपास होती थी। आजकल ये ऑब्सोलीट हो गई क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती थी। कंटेंट राइट करने के बाद में कोई श्योरिटी नहीं थी कि ये बाद में चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, तो इस वजह से ये जो टेक्नोलॉजी थी फ्लॉपी डिस्क की ये ऑब्सोलीट हो गई। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है ऑप्टिकल मेमोरी।
ऑप्टिकल मेमोरी के बेस्ट एग्जांपल्स हैं सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी में आपने जब भी देखा होगा तो काफ़ी रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, जब हम उसको उल्टा करके देखते हैं इवन अपना फेस भी दिखाई देता है, उसके रिफ्लेक्शन इतना अच्छा होता है। तो हम ऑप्टिकल मेमोरी का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे काम करती है, तो ये बेसिकली लाइट और उसके रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। लाइट को हम इमिट करते हैं, ये सरफेस पर आकर के टकराती है, अगर वो रिफ्लेक्ट आकर के वापस रीडर के पास में पहुंच जाती है तो हम उसको वन रीड कर दें। अगर वो रिफ्लेक्शन वापस से जो फोटो सेंसर है रीडर है उसके पास नहीं पहुंचता तो उस केस में हम उसको जीरो रीड करते हैं। ये यहाँ पर रीड का प्रिंसिपल भी बताया है मैंने कि रीड कैसे करते हैं। लाइट इमिट होती है, इसके हेड में एक लाइट होता है, लाइट इमिटिंग सोर्स होता है जिसको हम डायोड कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो लाइट को जो है वो जाती है फिर सरफेस से टकराती है, जैसे ही सरफेस पे टकराती है वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर के और जो ऑप्टिकल सेंसर होता है उसके द्वारा कलेक्ट की जाती है। अगर वो वापस से आकर के ऑप्टिकल सेंसर पर टकराती है और कलेक्ट की जाती है तो ये जो डेटा होता है उसको हम वन रीड करते हैं। अगर वो रिफ्लेक्शन नहीं होता है वहां से और जो रिफ्लेक्शन वापस से आके फोटो सेंसर पर नहीं टकराता तो उस केस में उसको हम जीरो रीड करते हैं। तो बेसिकली अगर जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट कर देती है तो उसको हम वन रीड करते हैं, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है तो उसको जीरो रीड करते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से काम करती है। राइट करते वक्त हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी सरफेस जो लेजर बीम की सहायता से हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिव होती है। जहां जहां पर हमें जीरो राइट करना होता है केवल उसी जगह से हम लेजर बीम से एक हाई इंटेंसिटी लेजर बीम से बर्न कर देते हैं और ये जो स्पॉट होता है वो धीरे धीरे ब्लैक स्पॉट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इस तरीके से जो सेल्स केवल जीरो कंटेन करती है हम उनको केवल और केवल उन्हीं सेल्स को राइट करते हैं यानी बर्न करते हैं एज जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए। अदर सेल्स जिनको अंदर वन राइट करना होता है हमें उनको हम इंटैक्ट रख देते हैं, उन्हें हम टच भी नहीं करते हैं। सीडी और डीवीडी दोनों लगभग सिमिलर से प्रिंसिपल पर ही काम करती हैं। लेजर के टाइप्स का डिफरेंस होता है रीड और राइट करने में, पर बेसिक इसमें जो होता है इसमें लगभग सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम लेबल कहते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी काम करता है। इसके जस्ट नीचे प्लास्टिक की लेयर होती है, उसके जस्ट नीचे रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम सरफेस होती है दिस वन, इसके नीचे एक डाई लेयर होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, पर जैसे हम लेजर बीम से इसको हिट करते हैं या थोड़ा सा देर तक लेजर बीम को इसके ऊपर फोकस करवाते हैं तो ये जो डाई लेयर होती है ये बर्न आउट हो जाती है और ये ब्लैक स्पॉट में कन्वर्ट हो जाती है। ये डाई लेयर है फोर्थ लेयर, और नीचे पॉलीकार्बोनेट की लेयर होती है। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 5 लेयर्स देखा जाए तो नॉर्मली कॉम्पैक्ट डिस्क में मिलती हैं हमें। ये जो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ से जो लाइट है वो इंसिडेंट होती है सरफेस पर, अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस मिलती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस रिफ्लेक्टेड सरफेस वाले एरिया को हम वन रीड करते हैं। जहाँ पर हमने डाई को बर्न आउट कर दिया वहाँ पर उन स्पॉट्स को हम ब्लैक स्पॉट्स मानते हुए लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वहाँ पर हम रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है तो उनको हम जीरो रीड करते हैं। जो स्टैंडर्ड सिटी रोम होता है उस वो 4.7 इंच का होता है। नॉर्मली इसकी जो डेटा कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है और डीवीडी के केस में साइज तो सेम होती है पर कैपेसिटी जो है वो 4.5 GB तक होती है। मेमोरी हायरार्की में हम देखते हैं किस किस टाइप की मेमोरी जो सेल्स होती हैं वो यूज होती हैं। सबसे टॉप पर है रजिस्टर्स के बाद में हम कैश यूज करते हैं, कैश के बाद में मेन मेमोरी होती है, मेमोरी के बाद में सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप होती है। ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी में होती है, मेन मेमोरी में रैम और रोम आती हैं। इनमें जो मेमोरी हायरार्की होती है इसमें जैसे जैसे हम टॉप टू डाउन चलते हैं तो इनकी साइज तो बढ़ती है पर स्पीड घटती है। यहाँ पर जैसे ये अगर कुछ MB का होगा तो कैश भी, ये कुछ रजिस्टर्स होते हैं कुछ KB के, कैश कुछ MB के रजिस्टर्स होते हैं, रैम जो होती है कुछ GBs में होती है, हार्ड डिस्क टेराबाइट्स तक होती है नॉर्मली, टेप ड्राइव जो होती हैं ये बहुत ही स्लो होती हैं, इनका जो बेसिक यूज होता है वो बैकअप मेंटेन करने के लिए होता है, ये प्योर सिक्वेंशियल मेथड पर काम करती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। इस हायरार्की में बॉटम टू अप चलते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ती है
पर कॉस्ट भी बढ़ती है। जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर की तरफ मूव कर दें, इनकी जो स्पीड है, वर्किंग स्पीड है, वो बढ़ जाती है, पर कॉस्ट भी उसी कंपैरिजन में बढ़ती है। नेक्स्ट वन, रजिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो इंटरनल मेमोरी सेल्स होते हैं जो ALU के साथ में डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। इनमें डेटा स्टोर किया जाता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स और इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए जाते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो ALU के सेम टू सेम इक्वल स्पीड पे एग्जीक्यूट करते हैं। इनको अगर यूजर चाहे तो एक्सपेंड नहीं कर सकता, नॉट एक्सपेंडेबल होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जो आपने प्रोसेसर परचेज कर लिया वो कर लिया, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। सेम टू सेम कैश मेमोरी भी प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी होती है, जो आजकल ALU और रजिस्टर्स CPU के साथ में ही एसोसिएटेड होते हैं, प्रोसेसर के साथ में इनबिल्ट आती है। यूजर के पास में चॉइस यही होती है कि जब वो प्रोसेसर परचेज करता है तभी वो कैश देखकर ही परचेज करे, उसके बाद में उसको इंक्रीज करना संभव नहीं होता। कैश मेमोरी जो होती है बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है, इन नियर अबाउट टू ALU और CU के इक्वल स्पीड पे ही एग्जीक्यूट करती है। इसका बेसिक काम क्या है कि जो भी नए इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने वाले हैं उनको फैच करके प्री फैच करना और उनके डेटा को स्टोर करके रखना। ये बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं उसके आसपास का ही डेटा या इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट फॉलो होने वाले होते हैं। तो ये कैश मेमोरी क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शंस हैं, पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको स्टोर करके रखती है ताकि कंप्यूटर के CPU को बार बार वेटिंग स्टेट में नहीं जाना पड़े और उसका जो थ्रूपुट है यानी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई रहे। ये यहां पर एक पैटर्न होता है जिसको हम लोकल सर्च ह्यूरिस्टिक कहते हैं। लोकल सर्च ह्यूरिस्टिक का जो फिनोमिना होता है वो ये कहता है कि जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होता है वो उसके आसपास का ही कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है, ये भी एक्सटेंसिबल नहीं होती है। जो आपने एक बार परचेज कर ली वो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट होती है, उसी में ही कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट टाइप की जो मेमोरी है वो है मेन मेमोरी, रैम और रोम, जिसे कि CPU यानी ALU और CU डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं, उनको हम मेन मेमोरी कहते हैं। ये जो मेमोरीज होती हैं वो मोस्टली रैंडम एक्सेस मेथड पर कार्य करती हैं। इस रैंडम एक्सेस मेथड का मतलब ये है कि मेमोरी में अगर 100,000 सेल है तो अगर डेटा पहले सेल पे स्टोर किया हुआ है तो भी डेटा को रीड करने में उतना ही समय लगेगा। अगर वो 50,000 भी सेल पे रखा हुआ है तो भी उसको जो रीड करने में है वो लगभग उतना ही टाइम लगेगा, और अगर लास्ट सेल पे रखा है तो भी टाइम वेरिएशन नहीं आता, मतलब कांस्टेंट टाइम में किसी भी मेमोरी सेल को रीड किया जा सकता है एड्रेस प्रोवाइड करवा करके। तो बार बार आपको जो है वो वेटिंग टाइम इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस टाइप की जो मेमोरी होती है जिनमें सभी सेल्स को एक सिंपल सिंगल कांस्टेंट टाइम में रीड किया जा सके उनको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जो मेन मेमोरी होती है वो दो टाइप की मेमोरी होती है, एक रैम और दूसरी रोम। जो रैम मेमोरी होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो वोलेटाइल होती है। इसका काम जो है वो इंस्ट्रक्शंस को लोड करना और ALU को और CU को सप्लाई करना होता है, CU इनको डायरेक्टली रीड कर सकती है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी रैम के अंदर ही स्टोर किए जा सकते हैं। प्रोग्राम्स को जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है वो सबसे पहले रैम में ही अपलोड होता है, एक बार अपलोड होने के बाद में ही उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सकता है, उसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो भी पहले रैम में अपलोड किया जाता है, उसके बाद में ही उसको हम एग्जीक्यूट करवा पाते हैं। दूसरे टाइप की जो मेन मेमोरी है उसको हम रोम कहते हैं। तो रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें हम नॉन वोलेटाइल होता है, इसमें पावर फेलियर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कंटेंट्स हमेशा सेफ रहते हैं, चेंजेस नहीं आते हैं उसमें। इसका जो बेसिक पर्पज है वो सिस्टम प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखना होता है, जो रेयरली चेंज होते हैं या कभी चेंज होते ही नहीं है, वो डिवाइस के साथ ही आते हैं, जैसे कि बायोस प्रोग्राम्स। सबसे पहले हम रैम मेमोरी की बात करते हैं। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, कॉन्स्टेंट टाइम होता है डेटा एक्सेस के लिए, लोकेशंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, वोलेटाइल होता है इन नेचर,
इन वॉलेटाइल मतलब अगर पावर फेलियर हो गया या आपने कंप्यूटर को शटडाउन कर दिया, तो इसमें जो भी डेटा स्टोर किया हुआ था या राइट किया हुआ था वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा, आप उसको दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। इसकी कॉस्ट जो है एज कम्पेयर टू कैश मेमोरी और जो रजिस्टर्स हैं उनके कंपेरिजन में काफ़ी कम होते हैं, पर इसकी स्पीड भी जो है वो उनके कंपेरिजन में 1/3 या हाफ के आसपास ही होती है। तो इनकी स्पीड नॉर्मली कैश और उससे रजिस्टर से कम। अब हम बात करते हैं रैम के टाइप्स के ऊपर, कितने टाइप की रैम होती है। तो दो टाइप की रैम होती है, एक स्टैटिक रैम और दूसरी डायनेमिक रैम। जब भी हम स्टैटिक रैम की बात करते हैं, स्टैटिक रैम काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम, पर ये कॉस्टली भी होती है। स्टैटिक रैम जब भी हम एक बिट स्टोर कर रहे होते हैं या तो 0 या 1 मतलब, तो हम उसके लिए उस एक बिट को स्टोर करने के लिए 6 ट्रांजिस्टर्स से एक सर्किट बनाते हैं, तब जा करके वो स्टोर होता है। इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई होती है, लो पैकिंग डेंसिटी होती है पर यूनिट एरिया, मतलब अगर 1 इंच में अगर आप देखोगे तो एक बिट को अगर 6 ट्रांजिस्टर्स चाहिए तो काफ़ी हाई स्पेस चाहिए इसको। नॉर्मली इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। इसका जो यूज़ है वो वर्क स्टेशन में मेनली होता है। इसके अंदर लीकेज करंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जैसा कि डीरैम में होती है, तो इसमें कोई रिफ्रेश सर्किट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। दूसरे टाइप की जो रैम होती है वो होती है डीरैम। ये जो रैम होती है वो एक कैपेसिटर और एक नैंड गेट की सहायता से मिला करके बनाई जाती है। इसमें रिफ्रेश सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है डेटा को रिटेन करने के लिए, मतलब इसमें लीकेज करंट की प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आपने इसको चार्ज दिया, धीरे धीरे इसमें से करंट लीक होने लगता है और एक टाइम पीरियड के बाद में वो जो जितना भी करंट आपने स्टोर किया था वो ख़त्म हो जाता है या लीक कर जाता है। तो उस करंट को रिटेन करने के लिए हम बार बार उसको रिचार्ज करते रहते हैं। रिचार्ज करने से वापस से जितने भी लॉसेस हुए पावर लॉसेस उनको हम एक्चुअल वैल्यू पर रीस्टोर कर देते हैं। तो इस सर्किट को जो वैल्यूज को रीस्टोर करता है या करंट को रीस्टोर करता है उसको हम रिफ्रेश सर्किट कहते हैं। इसकी कॉस्ट कम होती है क्योंकि एक बिट को स्टोर करने के लिए जहां स्टैटिक रैम में 6 ट्रांजिस्टर्स लग रहे थे वहां पर इसकी अंदर केवल और केवल 2 कंपोनेंट्स ही लग रहे होते हैं। पैकिंग डेंसिटी हाई होती है, छोटे से एरिया में ही एस रैम के कंपेरिजन में 3 गुना डेटा स्टोर किया जा सकता है। इनका जो यूज़ है वो मोस्टली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में होता है। इसकी स्पीड स्लो होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, पर कॉस्ट भी कम होती है। नेक्स्ट टाइप की जो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी के अंदर वो है रोम, रीड ऑनली मेमोरी। इसमें हम देखा जाए तो कंटेंट्स को केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकता है नॉर्मली यूजर। इसके कुछ वेरियंट्स आते हैं उनमें यूजर राइट कर सकता है, उनके भी ऑप्शन हम देखेंगे। ये जो है ये भी रैंडम एक्सेस मेथड पर ही काम करता है, मतलब कोई भी सेल हो उसके जो लोकेशन है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा जो है वो कांस्टेंट टाइम में ही रीड किया जा सकता है। इसका जो नेचर है वो रैम के अपोजिट नॉन वोलेटाइल होता है, यानी डेटा अगर पावर ऑफ हो जाता है, पावर फेलियर हो जाता है तो भी डेटा परसिस्ट करता है। इसका बेसिक पर्पज जो है वो सिस्टम प्रोग्राम्स को जैसे बायोज है उनको स्टोर करके रखना होता है कि जैसे ही डिवाइस स्टार्ट हो बेसिक जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाए। अब रैम के टाइप्स की बात करते हैं, तो रैम के कुछ टाइप्स आते हैं जिसमें पहला है रोम ओनली या रीड ओनली मेमोरी ओनली। तो रोम में केवल और केवल डेटा को रीड किया जा सकता है यूजर के द्वारा, इसमें कोई भी करेक्शन यूजर के स्तर पर संभव नहीं है। रोम में जो डेटा एक बार डिवाइस मैन्युफैक्चरर ने लोड कर दिया उस डेटा को कोई भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं किया जा सकता, इवन खुद डिवाइस मैन्युफैक्चरर भी उस डेटा को अपडेट नहीं कर सकता। डेटा यूजर के द्वारा ना राइट किया जा सकता है ना मॉडिफाई किया जा सकता है, केवल और केवल रीड कर सकता है, वो जितनी बार चाहे उतनी बार वो उसको रीड कर सकता है। दूसरे टाइप का जो वेरियंट आता है रोम में वो है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी जो चिप होती है वो यूजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो डेटा एक बार उसमें राइट तो कर सकता है और रीड कितनी बार भी कर सकता है, पर एक बार डेटा राइट करने के बाद में उस डेटा में ना तो मॉडिफिकेशन संभव है ना ही उसको चेंज किया जा सकता है। तो
तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी पी रोम जो है वो सिंगल टाइम राइट ऑप्शन के साथ में आता है, जैसा सीडी में होता है, नॉर्मल सीडीज में जैसा होता है, केवल और केवल एक ही बार इसमें डेटा यूजर के द्वारा राइट किया जा सकता है, उसके बाद में उसको केवल और केवल रीड किया जा सकता है, कोई चेंजेस संभव नहीं है। रोम का थर्ड वेरिएंट होता है वो है ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम जो है ये इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है पीरोम का। इसमें यूजर जो है वो मल्टीपल टाइम डेटा को राइट कर सकता है, रीड तो जितने बार चाहे उतनी बार करे, पर मल्टीपल राइट का ऑप्शन भी होता है। इसमें जब भी वो राइट करना चाहता है उसको सबसे पहले डेटा को इरेज करना होगा, और इरेज करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। उसमें क्या करना होता है, इस चिप को कंप्यूटर से बाहर निकालना होता है, इस चिप के ऊपर एक कैप लगी हुई होती है, उस कैप को हटाना होता है, उस कैप के नीचे एक फोटोन सेल होता है, फोटोन सेल को ले जाकर के धूप में रखना होता है। जैसे ही धूप में रखता है यूजर, तो फोटोन सेल इलेक्ट्रिक करंट इश्यू करती है कंट्रोल सिग्नल के रूप में। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे ही फोटोन सेल के द्वारा इमिट किया जाता है या रिलीज किया जाता है, तो जितना भी डेटा होता है प्रॉम में, ई प्रॉम में, वो सारा का सारा इरेज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस टाइप की मेमोरी को इरेज करने के लिए हर बार आपको सीपीयू से बाहर निकालना होता है, और कुछ टाइम के लिए इसको धूप में रखना होता है फोटोन सेल्स को, ताकि वो इरेज हो पाए। इसमें एक्सीडेंटली इसका डेटा इरेज ना हो, इसके लिए फोटोन सेल के ऊपर एक कैप या कवरिंग लेबल लगा होता है, वो तभी हटाना चाहिए यूजर को जबकि उसको डेटा को इरेज करना हो। ईप्रोम का थर्ड वेरिएंट भी आता है ईईप्रोम। ईईप्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जो ईप्रोम का एडवांस वर्जन है। इसमें फोटोन सेल ना होकर के यूजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अगर वो चाहे तो कंटेंट्स को इरेज कर सकता है, उसके लिए उसको लाइट की सनलाइट की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने कंप्यूटर के सीपीयू से कमांड देकर ही डेटा को इरेज कर सकता है विदाउट सनलाइट। तो इसमें यूजर मल्टीपल टाइम्स रीड भी कर सकता है, मल्टीपल टाइम राइट भी कर सकता है ईईप्रोम में। सेकेंड टाइप की जो मेमोरी है जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब जो कंटेंट्स आपने इसमें लिख दिए वो कंटेंट्स पावर फेलियर को भी सर्वाइव कर जाते हैं, और अगर आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया दोबारा स्टार्ट करोगे तो आप वो कंटेंट्स उनको वापस से रीड कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसकी जो कॉस्ट होती है वो एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी इसकी कॉस्ट कम होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो प्राइमरी मेमोरी से काफ़ी स्लो होती है, ये 10 टाइम्स तक स्लो होती है बजाय के प्राइमरी मेमोरी के। जो सीपीयू है यानी जो सीयू और एएलयू वो इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते, इसके जो भी कंटेंट्स होते हैं वो पहले सबसे पहले रैम के अंदर यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ट्रांसफर होते हैं, रैम के अंदर ट्रांसफर होने के बाद में ही उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो पाता है या सीपीयू उनको प्रोसेस कर पाता है। सेकेंडरी स्टोरेज में 3 टाइप के डिवाइसेस मेनली हैं, पहला हार्ड डिस्क जो सूडो रैंडम एक्सेस मेथड पे काम करती है, दूसरा ये यूजर के डेटा को स्टोर करने के और प्रोग्राम्स को स्टोर करने के और रिजल्ट्स को स्टोर करके रखने के काम आती है। ये 2 टेराबाइट 4 टेराबाइट तक आसानी से आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ये मैग्नेटिक मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैग्नेटिक मेमोरी कैसे काम करती है, सेम टू सेम मैग्नेटिक मेमोरी के प्रिंसिपल पर ही वर्क करती हैं। दूसरे टाइप की जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो है सीडी। ये सीडी जो है वो भी सूडो रैंडम मेथड पर काम करती हैं, ये जो है वो डेटा स्टोर करने, म्यूजिक स्टोर करने, प्रोग्राम्स को स्टोर करने आदि के काम में आती हैं, फाइल्स भी स्टोर की जा सकती हैं, ये ऑप्टिकल प्रिंसिपल पर काम करती हैं। थर्ड टाइप की जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो है टेप ड्राइव, जिप ड्राइव्स। टेप ड्राइव सिंपल कैसेट्स की तरह होती हैं, जो वीडियो कैसेट्स आती थी वैसी ही दिखाई देती हैं। इनका यूज मेनली बैकअप लेने के ही काम में किया जाता है, नॉर्मल यूज में इनको नहीं लिया जाता। इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सिक्वेंशियल एक्सेस, मतलब 1x1 ही, जैसे 1 के बाद में 2 ही आएगा, 2 के बाद में 3 ही आएगा, 3 के बाद में 4 ही आएगा, सेम टू सेम सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड पर ही काम करते हैं। ये काफ़ी स्लो होती हैं और बहुत ही कम कॉस्ट की होती हैं। ये तभी यूज़ किया जाता है जब बहुत बड़ा डेटा हमें बैकअप के रूप में रखना होता है, तो इस टाइप के डिवाइसेस या रिक्वायरमेंट्स के लिए हम टेप ड्राइव का उपयोग करते हैं।
आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई फीडबैक या सजेशंस है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट, जैसा कि मैं हर बार करता आ रहा हूँ, कि प्लीज़ आप कैशलेस जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए, डिजिटल मनी का यूज़ कीजिए। ये ना केवल करप्शन घटाएगा, ब्लैक मनी घटाएगा, फेक करेंसी घटाएगा, बल्कि कॉन्टेजियन डिजीज लाइक कोरोना वायरस को भी ह्यूमन बींग्स में नहीं फैलने देता। क्योंकि जब हम एक्चुअल करेंसी का यूज़ करते हैं तो बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरती है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम थैंक यू सो मच।